नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 1200 स्क्वायर फुट एरिया में अगर घर बनवा रहे हैं 2023 में, तो ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का आपका मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट क्या पड़ने वाला या लगने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है यह वीडियो। आपको थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है हमारे चैनल पर, लेकिन हम आपको सटीक सही जानकारी देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट। आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1200 स्क्वायर फुट हाउस G+1 दो मंजिल के लिए अगर 2023 में घर बनवा रहे हैं, तो 1200 स्क्वायर फुट में कुछ अच्छा घर, इस टाइप का घर, तो आपका मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, तो A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, सटीक सही जानकारी मिलने वाला है आपको हमारे चैनल पे ही। केवल वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सही जानकारी मिलने वाला। फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे दो मंजिल घर बनवाने के लिए अभी के डेट में 2023 में लेबर का रेट क्या होने वाला है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो 250 से लेकर 300 रुपया एक स्क्वायर फुट का लेगा लेबर। कॉन्ट्रैक्टर आपको घर बनाने का लेबर का चार्ज ले लेगा 250 से 300 रुपया। अगर साथ साथ बात कर ले सेकेंड पॉइंट में कि टोटल लेबर कॉस्ट क्या होने वाला है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का 1200 स्क्वायर फुट में, तो दोस्तों हम इसको आसानी से समझ लेते हैं कि 1200 स्क्वायर फुट में हमें घर बनाना है और ग्राउंड फ्लोर का 250 रुपया पकड़े हैं एक स्क्वायर फुट का, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बनेगा एक मंजिल उसका हम 180 रुपया पकड़े हैं एक स्क्वायर फुट का। तो टोटल को जोड़ देंगे 250 + 180 और 1200 स्क्वायर फुट में गुना कर देंगे, तो यह 5,16,000 रुपया आपका लेबर के कॉस्ट के ऊपर पड़ने वाला दोस्तों G+1 घर बनाने के लिए 1200 स्क्वायर फुट एरिया में। फ्रेंड, अगर अगले पॉइंट में बात कर ले तो 1200 स्क्वायर फुट का अगर आर्किटेक्ट कॉस्ट का बात कर ले नक्शा बनवाने का, तो आपका दो मंजिल के लिए 1200 स्क्वायर फुट गुने दो मंजिल के लिए 15 रुपया एक स्क्वायर फुट का ले लेगा नगर निगम एरिया में, सिटी एरिया में, तो यह टोटल 36,000 रुपया आपका पड़ जाएगा आर्किटेक्ट कॉस्ट, जिसमें आपको 2D 3D कॉलम बीम और फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके दे देगा वो 36,000 में दो मंजिल का, ठीक है। अगर आप खुद से करेंगे तो ये कॉस्ट बच सकता है। दोस्तों, एज ए हम सिविल इंजीनियर आपको बता रहे हैं कि आर्किटेक्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपर एक अच्छा डिज़ाइन एक सजेशन दे देगा, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्लान बना के देगा, ज़्यादा से ज़्यादा रूम बना के देगा। तो प्लीज़ आप लोग सिविल इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, जब भी आप घर का नक्शा बनवा रहे हैं, तो पैसा बचाने के चक्कर में ना पड़े। एक ही बार ज़िंदगी में घर बनता, बार बार बनता नहीं है दोस्तों। अगर अगले पॉइंट में बात कर ले तो सेफ्टी टंक है। सेफ्टी टंक आपको बनाने के लिए RCC सेफ्टी टंक 45,000 रुपया लगभग लग जाएगा। अगर इससे भी कम में जाना चाहते हैं तो ब्रिक्स वाला बनवा लीजिए, ब्रिक्स वर्क ईंटा का, तो इससे भी कम में बन जाएगा, 5 से 10 हज़ार कम लगेगा, ठीक है। इसके अगले पॉइंट में हम बात कर ले तो फाउंडेशन सॉइल एग्जीक्यूशन है, मिट्टी खुदाई फाउंडेशन के लिए। तो हमें 16 कॉलम नीडेड है 1200 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए कम से कम। तो एक फुटिंग का साइज है 4 फुट × 4 फुट 4 फुट, 4 फुट लंबाई, 4 फुट गहराई, 4 फुट आपका चौड़ाई है। तो जब 4 फुट × 4 फुट गुना कर दिए, उसका 16 से गुना कर दिए, तो 1024 CFT हो गया, और CFT का मतलब क्यूबिक फुट होता है, यानी कि एक CFT का 10 रुपया पड़ेगा, तो यह 10,240 रुपया आपका मिट्टी खुदाई के ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है, 16 कॉलम के लिए। दोस्तों, अगर हम इसके साथ अगले पॉइंट का बात कर लें तो हमें फाउंडेशन जो खुदाई करवाए हैं 16 कॉलम का, तो हमें फाउंडेशन भरवाना भी पड़ेगा। आप फाउंडेशन मोरम से, सॉइल से, उसके बाद सैंड से भरा सकते हैं, बालू से भरा सकते हैं, मिट्टी से भरा सकते हैं। तो 1200 स्क्वायर फुट आपका घर का एरिया हो गया बनाने का, ठीक है, और 3 फुट आपका रोड लेवल तक हो गया, रोड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा, और 12 रुपया ले लेगा। तो जब आप तीनों को गुना कर देंगे, 1200 स्क्वायर फुट गुने 3 फुट फाउंडेशन का ऊँचाई, और गुना कर देंगे 12 रुपया एक CFT का, तो टोटल यह निकल के आने वाला दोस्त फ्रेंड 43,200 रुपये आपका लग जाएगा मिट्टी भराई का, फाउंडेशन भराई का, ठीक है, लेबर के साथ साथ मिट्टी का खर्चा पड़ जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी है तो यह थोड़ा बहुत बच सकता खर्चा। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ले 1200 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए, तो अभी बताए हैं 16 कॉलम में आपका घर बन जाएगा, ठीक है। कॉलम का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 16x9 रख सकते हैं, और फुटिंग का साइज 4 फुट × 4 फुट × 4 फुट रख सकते हैं। अगर बिल्डिंग मटेरियल का बात कर ले तो सबसे पहले सीमेंट का बात कर लेंगे, तो ग्राउंड फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर और पहला मंजिल, दो मंजिल के लिए आपका ग्राउंड फ्लोर के लिए 528 बैग लग जाएगा, और फर्स्ट मंजिल के लिए 372 बैग लग जाएगा, टोटल 900 बैग लग जाएगा। और मार्केट में अभी सीमेंट का रेट 400 से लेकर 450 के बीच में ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अवेलेबल है, एक अच्छा सीमेंट का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड 900 बैग जो सीमेंट लगेगा दो मंजिल के लिए ग्राउंड प्लस फर्स्ट मंजिल, तो हमने 430 रुपये एक बैग का हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, आपके एरिया में जो भी रहे गुना कर दीजिएगा 900 बैग में एक बैग का सीमेंट से, फिलहाल हमारे एरिया में यह पड़ने वाला है 3,87,000 रुपया
900 बैग सीमेंट का पड़ने वाला है। इसी के साथ अगले पॉइंट में बात कर ले, सैंड, सैंड यानी बालू, रेत, कच, जो भी आप बोलते हो अपने भाषा में, ठीक है। तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर 1200 स्क्वायर फुट में, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का हो गया 1452 CFT हो गया, प्लस फर्स्ट फ्लोर में लग जाएगा आपको फाउंडेशन हटा के 652 CFT लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2104 CFT हो जाएगा, यानी कि 2104 CFT क्यूबिक फुट आपका बालू मंगाना पड़ेगा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के लिए 1200 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए। 80 रुपया 1 CFT का लग रहा हमारे एरिया में बालू का, आपके एरिया में 10 से 15 रुपया वैरी कर सकता है, क्योंकि बालू का सैंड का रेट अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में वैरी करते रहता है, कहीं पे अप रहेगा 10 रुपया, कहीं पे आपको 10 रुपया कम रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे एरिया का बात कर ले तो 80 रुपया से 85 रुपया 1 CFT का पड़ रहा बालू का, तो यह 2104 CFT का हो जाएगा, 168320 रुपया आपका पड़ जाएगा। आपके एरिया में फिर से बोल दे यह रेट जरूर वैरी करेगा, क्योंकि नदी का खदान जहाँ पे है नज़दीक वहाँ पे सस्ता पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाता है। इसी के साथ अगले पॉइंट में बात कर ले गिट्टी का, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का अगर बात कर ले 1200 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए 1572 CFT लग जाएगा और 1092 CFT आपका ग्राउंड से ऊपर जब बनाइएगा फर्स्ट फ्लोर उसके लिए लग जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2664 CFT लग जाएगा, और यह फाउंडेशन का माइनस करने के बाद हम पहला मंजिल का आपको इसमें। फ्रेंड अगर बात कर ले 80 रुपया से 90 रुपया 1 CFT का पड़ रहा हमारे एरिया में, आपके एरिया में 10 से 15 रुपया इसमें भी वैरी कर सकता है। तो 2664 CFT गिट्टी का 80 रुपया के अकॉर्डिंग 213120 रुपया पड़ जाएगा। फिर से बोल दे यह रेट आपके एरिया में वैरी करेगा दोस्तों, ठीक है। अगले पॉइंट में अगर बात कर ले स्टील का, सरिया का, तो सरिया आपका टोटल ग्राउंड फ्लोर के लिए और पहला मंजिल जो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए 4200 kg लग जाएगा सरिया। और साथ साथ अगर बात कर ले फर्स्ट फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए फाउंडेशन तो बनाना नहीं है, फाउंडेशन बना रहेगा ऑलरेडी, तो फाउंडेशन का माइनस करने के बाद यह 3120 kg लग जाएगा आपका फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए। टोटल आपका 7320 kg लग जाएगा सरिया ग्राउंड प्लस फर्स्ट मंजिल बनाने के लिए, ठीक है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ग्राउंड प्लस थर्ड फ्लोर भी बता सकते हैं। तो कोस्ट ऑफ स्टील का बात कर ले, 80 रुपया एक अच्छा सरिया का पकड़े हैं 1 kg का, तो 7320 kg गुने 80 रुपया, तो यह 585600 रुपया आपका ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए स्टील के ऊपर खर्चा पड़ जाएगा दोस्तों। फिर से बोल दे आपके एरिया में स्टील का रेट 500 रुपया वैरी कर सकता है, लेकिन अच्छे स्टील लेंगे तो आपका महंगा पड़ेगा, 80 से 82 रुपया पड़ेगा 1 kg का। पिछले साल भी स्टील का रेट बढ़ चुका था, ठीक है, 100 रुपया तक बढ़ गया था। अगर अगले पॉइंट में बात करें नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए और पहला मंजिल बनाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए 30,000 ईंटा लग जाएगा पाराफुट वाल तक के लिए, और 25,800 ईंट लग जाएगा पहला मंजिल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फाउंडेशन बनाना नहीं है इसलिए फाउंडेशन का हमने माइनस कर दिया है। तो टोटल 55,800 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लग जाएगा, चीरा लग जाएगा, ईंट लग जाएगा। कॉस्ट का बात कर ले तो 8 से 12 रुपया आपको मार्केट में है एक ईंट का, तो 55,800 ईंट का होने वाला। तो फ्रेंड यह 558,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर पड़ने वाला है, जिसको हम चीरा बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम से अलग अलग एरिया में हम लोग जानते हैं, अलग अलग स्टेट में। अगले पॉइंट में बात कर ले तो फ्लोर टाइल्स हो गया, फ्लोर पे जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो उसके लिए एक मंजिल और दूसरा मंजिल, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर आपका 1200 स्क्वायर फुट में हमें घर बनाना है, और सेकेंड जो फ्लोर हमारा पहला मंजिल वो भी 1200 स्क्वायर फुट में टोटल एरिया यूज करना है। एक स्क्वायर फुट में हम लोग टाइल्स लेते हैं 1.3, ठीक है। तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों 3120 स्क्वायर फुट आपका टाइल्स का क्वांटिटी हो जाएगा पहला मंजिल ग्राउंड फ्लोर के लिए और फर्स्ट फ्लोर के लिए। कॉस्ट का अगर बात कर ले 95 रुपया आपका कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा लेबर प्लस मटेरियल का, तो टोटल आपका होने वाला दोस्तों, तो टोटल आपका टाइल्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट टाइल्स लगवाने का पहला मंजिल और दूसरा मंजिल के लिए 296,400 रुपया ले लेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर अगर विथ मटेरियल ले रहा है तो, और खुद से भी करवाएंगे तो लमसम आपका उतना जाने वाला है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है क्वांटिटी और आपके रेट में, क्योंकि जानते हैं हर इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशन अलग अलग मार्केट में थोड़ा बहुत रेट हमेशा वैरी करते रहता, अप डाउन होते रहता। साथ साथ अगर अगले पॉइंट में पेंट का बात करें, तो ग्राउंड फ्लोर प्लस पहला मंजिल के लिए, तो 1200 स्क्वायर फुट में हमें घर है और पहला मंजिल और दूसरा मंजिल, तो 2 से हम गुना कर दिए और 1 स्क्वायर फुट में 0.14 लीटर्स लगता है, तो यह 336 लीटर्स पेंट लग जाएगा पहला मंजिल और ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो कॉस्ट ऑफ पेंट का बात कर ले तो 300 रुपया लमसम कम से कम रेट लेके चलें 1 लीटर का, तो 336 लीटर गुने 300 रुपया, तो 108,000 रुपया आपका दीवार पे पेंट करवाने का लग जाएगा, ठीक है। अगर साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले पुट्टी प्राइमर है, तो दोस्तों पुट्टी प्राइमर आप करवा सकते हैं, नहीं तो पेंट से ही काम चला सकते हैं, एक अच्छा पेंट करवाएंगे दीवार पे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो फिलहाल हम पुट्टी पेंट का बात कर ले, ग्राउंड
फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका 6250 स्क्वायर फुट वॉल का क्वांटिटी है, और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर का भी 6250 स्क्वायर फुट वॉल का क्वांटिटी है। टोटल आपका क्वांटिटी हो गया 12500 स्क्वायर फुट वॉल का क्वांटिटी। एक स्क्वायर फुट दीवार का लेने वाला है दोस्तों 10 रुपया, तो इसके अनुसार यह हो गया 125000 रुपया आपका पहला मंजिल और साथ साथ ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का लमसम लेने वाला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है रेट में, क्वांटिटी में। मेन गेट ग्रिल का बात कर ले तो 280 kg का आपका स्टील का ग्रिल लगवाना पड़ेगा। कोस्ट का अगर बात कर ले दोस्तों तो 100 रुपया 1 kg का ले लेता बनवाने का, तो 280 kg का या 28000 रुपया लगने वाला दोस्तों मेन गेट ग्रिल का। फ्रेंड इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं गेट लगाने का, वुडन का, लकड़ी का, एक अच्छे लकड़ी का, और साथ साथ विंडो का, खिड़की का, जो कि लकड़ी का हो सकता है एक अच्छे लकड़ी का। तो गेट आपका 10 नंबर ऑफ गेट लग जाएगा लमसम। इसमें क्वांटिटी में एक दो गेट आगे पीछे भी हो सकता है, विंडो आपका 12 में लमसम ऊपर नीचे हो सकता है, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यह क्वांटिटी 2-4 वेरी कर सकता है। तो फिलहाल हम कम से कम 10 गेट अगर लगवाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे तो 10000 रुपये एक गेट का ले लेगा लकड़ी का, एक अच्छे लकड़ी का, तो 1 लाख रुपये आपका गेट के ऊपर जाने वाला है, ठीक है, कोस्ट का। और बात कर ले विंडो का तो 12 अगर खिड़की लगवाएंगे 7-8000 रुपये एक खिड़की का ले लेता है, तो 12 खिड़की का 84000 रुपया लमसम जाने वाला है, ठीक है। अगर बात कर ले इलेक्ट्रिक वायरिंग का तो ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का वायरिंग करवाने का कोस्ट विथ मटेरियल और इलेक्ट्रिशियन जो मैन रहेगा उसका कोस्ट, मिस्त्री का कोस्ट, तो 1200 स्क्वायर फुट ग्राउंड फ्लोर हो गया और पहला मंजिल 1200 स्क्वायर फुट हो गया, 100 रुपया आपका एक स्क्वायर फुट का ले लेगा विथ मटेरियल, तो 240000 रुपया आपका इलेक्ट्रिकल कोस्ट के ऊपर जाने वाला है ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का। अगर अगले पॉइंट में बात कर ले दोस्तों तो प्लम्बिंग क्वांटिटी हो गया। प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन करवाने के लिए आपको 2 बाथरूम, 1 टॉयलेट, बाथरूम किचन रहता है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लस पहला फ्लोर का बात कर ले विथ मटेरियल के साथ कोस्ट, तो 60000 रुपया ग्राउंड फ्लोर पे, 60000 रुपया मान के चलिए लमसम पहला मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 1,20,000 रुपया जाने वाला है कोस्ट के ऊपर। यह रेट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता, क्वांटिटी में भी वैरी कर सकता, हम कम से कम आपको रेट लेके बताए हैं। अगर जितना अभी तक रेट बताए सभी को जोड़ दीजिएगा तो यह 36,56,680 रुपया लग जाएगा, और एक स्क्वायर फुट का मटेरियल के साथ साथ 2023 में दोस्तों 1500 से 2000 रुपया पड़ने वाला आपका कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा आपके एरिया में दोस्तों। फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोग से यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए हमेशा दोस्तों लाते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।